बस यहीं आपको अपना वाहन खड़ा करना है और उसके बाद शुरू कर देनी है ट्रैकिंग। कुल मिलाकर 8 किलोमीटर का ये सफर है। पार्किंग का काफी स्पेस अवेलेबल है और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हम इधर से गए थे और 8 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद वापस अब जयपुर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये पेड़ मैं पहचान नहीं पाया, अगर आप इस पेड़ के बारे में कोई जानकारी रखते तो जरूर बताना। स्वागत कर रहे हैं, ट्रैक के रास्ते ट्रैक कर रहे हैं। ये भी बहुत ही भोला भाला और सीधा जानवर, बहुत ही मेहनती। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस जानवर से कि निस्वार्थ भाव से मेहनत करना क्या होता है। ये इतनी मेहनत करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मौसम अच्छा हो, छुट्टी का दिन हो और अगर आप ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। इससे हम थोड़ा सा प्रकृति के नज़दीक भी पहुंचते हैं और हम अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। दोस्तों आज हम ट्रैकिंग कर रहे हैं सामोद किले के लिए। हमने शुरुआत की थी वीर हनुमान जी की जो पार्किंग है वहाँ से। वहाँ से आपको एक ट्रैक मिलता है, वो ट्रैक आपको पहुंचाता है वीर हनुमान जी के टेंपल पर। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जब आप चलते हैं तो इन्हीं रास्तों के सहारे आप पहुंचते हैं किले पर। सामोद का किला एक रणनीतिक स्थल पर बनाया हुआ है। जयपुर रियासत के अधीन था सामोद। थोड़ी चढ़ाई है, सांस फूली हुई है और बादल छा गए हैं। ये देखिए धूल का गुबार। दोस्तों मौसम बहुत ही गजब हो गया है, बहुत ही मनोरम, सुहावना और ठंडा। सोच रहा हूँ रास्ता क्या दिखाऊं, आपको ये घाटियाँ और नज़ारे दिखा देता हूँ। हवा बहुत ही तेज चल रही है और ट्रैकिंग का इससे बेहतर अवसर हो ही नहीं सकता। ट्रैक मीडियम लेवल का है, इतना कठिन भी नहीं है कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप बच्चों के संग भी यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। लगभग 8 से 9 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। कभी सांस फूलती है, कभी आप रिलैक्स महसूस करते हैं और अगर ठंडी हवा चल जाए तो ये मान लो सोने पर सुहागा है। मानसून के सीजन में तो इस ट्रैक का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। आपको ट्रैक के किनारे छोटे छोटे घर दिखाई देंगे। लोगों में एक धारणा है, एक मान्यता है कि अगर आप यहाँ घर बनाते हैं तो वास्तव में आपका घर बन जाता है, इसलिए लोग बनाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास रखते हैं। क्या आप भी इस बात में बिलीव करते हैं कि इस तरीके से घर बनाने से हमारे घर बन जाएंगे? आप कमेंट कर सकते हैं। वर्तमान युग में पैदल चलने का मौका मिलना, ट्रैक्स करना, ऐसे शांत वातावरण में ऐसी मनोरम घाटियों के बीच आपको समय बिताने का मौका मिल जाए, ये एक बड़ा अवसर है। ये देखिए शिलाएं कितनी विशाल, और अपनी विशालता से हमें कह रही हैं कि हम सबको अपने हृदय में विशालता रखें। हमें अपने आसपास के ऐसे स्थलों के बारे में जानकारी लेकर उनको ज़रूर खोजना चाहिए, वहाँ समय बिताना चाहिए। दूर जाने का समय मिलना बहुत मुश्किल है, भौतिक युग है और आपको जीवन यापन के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, लेकिन किसी दिन मौका निकाल कर पहुँचिए आप भी इस जंगल में, इस रास्ते पर, उस किले पर। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा है और हम भी अपने घोंसले की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आप रास्ते में वन्य जीव भी देख सकते हैं। ये देखो हिरण जा रहे हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहे हों। इस तरह का ये ट्रैक है, आप देख लीजिए। मैं थोड़ा रुक कर आपको रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ दूर दूर तक निर्जन फूल दिखाई देंगे आपको रास्ते में। आप भरपूर आनंद लेते हुए अपना ट्रैक पूरा कीजिए। ये पथरीले रास्ते मिलेंगे आपको, रास्ते में कहीं सीढ़ियाँ मिलेंगी, कहीं आपको गहरे गर्त मिलेंगे, कहीं ढलान मिलेगी, कहीं चढ़ाई मिलेगी। बहुत सारे पेड़ पौधे आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे और अगर आप खुश नसीब हुए तो
बारिश भी मिल सकती है। अभी बारिश आ गई है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और इस बारिश ने ट्रैकिंग में ये मान लो कि 4 तो क्या 8 चांद लगा दिए हैं। ये देखिए, ये है नज़ारे, ये नज़ारे, ये गार्ज क्या आपको सुंदर लग रहे हैं? जिंदगी में ऐसा शौक पाल लेना ही चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर विकल्प है, एक अच्छी दवाई। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि अरावली एक पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जब आप अरावली की पहाड़ियों पर ट्रैक करते हैं तो यहाँ की चट्टानों को देखकर आप स्वतः ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना पुराना पर्वत होगा अरावली पर्वत, क्योंकि पत्थरों पर बहुत ज़बरदस्त अपरदन हुआ है। ये अपरदन इस बात का सूचक है कि यह अरावली विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इस पत्थर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अपरदित हो चुका होगा। पहाड़ों के अपरदन का मुख्य कारण होता है वर्षा, आंधी, तूफान, प्रकाश, और ये अपरदित होकर मिट्टी बन जाते हैं और फिर जल की धाराओं के साथ पहुंच जाते हैं मैदानों में, और यही सिल्ट मैदानों को उपजाऊ बना देती है। जो भी वीर हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे दर्शनार्थी, वो पहले सामोद पहुंचते थे और सामोद से इसी रास्ते से होते हुए इस वीर हनुमान के मंदिर तक पहुँचते थे, इसलिए ये ट्रैक बनाया गया था। दोस्तों, ये हैं वो अनगिनत घर जो आस्थावान लोग बनाते हैं, जिनकी आस्था है, जिनकी मान्यता है, जिनकी मनोकामना है कि उनका घर बने, बेहतर घर बने, वो यहाँ इस तरह घर बनाकर जाते हैं। ये लगता है कोई संतुष्ट व्यक्ति थे, केवल एक मंजिल का बनाया, काफ़ी बड़ा घर बनाया है किसी आस्थावान ने। इस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये इस ट्रैक का एक सेल्फी पॉइंट। ये मंदिर है सामोद के हनुमान का मंदिर, इसे वीर हनुमान मंदिर कहते हैं। नीचे पार्किंग है, तरफ हरियाली है, गहरी घाटियां हैं, तेज हवा चल रही है। ये नज़ारे जो आप देख रहे हैं, ये आपकी थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं।